जामू आँखों से जब छलका तो समझा चढ़ गई है, याद जब वो बहुत आए तो समझा चढ़ गई है। पिछले 10 साल से संगीत प्रवाह वर्ल्ड निरंतर आप सभी लोगों के लिए YouTube पर निशुल्क शिक्षा का, निशुल्क संगीत शिक्षा का काम कर रहा है। आपको रोज़ाना लगभग हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस दिए हैं। साथ ही साथ क्योंकि मेरे पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे एक रचयिता हैं, गाने लिखते हैं, खुद के खुद कंपोज करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को यही प्रेरणा देते हैं कि खुद का संगीत उपजाओ, स्वयं का संगीत बनाओ, क्योंकि संगीत स्वयंभू ही है, खुद से जन्म लेने वाला है, तो किसी और का ना गाओ बजाओ। तो जैसा कि आपने देखा होगा हमारे चैनल पर आप कवर सॉन्ग्स बड़े कम देखते होंगे, बहुत एक आधा कभी मैंने कोई गज़ल किसी की गाई हुई मुझे पसंद आई तो मैंने अगर उसको कवर कर दिया तो है, वरना हम लोग ओरिजिनल्स पे काम करते हैं ज़्यादातर। तो पिछले 10 साल से इसी चैनल पर संगीत सिखाने के ट्यूटोरियल्स के साथ साथ अलग अलग विषय, तबला, ढोलक, हारमोनियम, तबला, गिटार, सितार, फ्लूट, अलग अलग वाद्य यंत्र के साथ साथ रियाज की टेक्निक्स या सब कुछ के साथ साथ हम लोगों ने अपने गीत भी इस चैनल पर डाले हैं, अपना ओन क्रिएशन गीत, गज़ल, भजन, ठुमरी, दादरा, कव्वाली, सब हर प्रकार का शास्त्रीय गायन हर प्रकार का हमने किया, इवन अलग अलग वाद्य यंत्रों का वादन भी हमने करवाया है, खुद भी किया, अपने अन्य स्टूडेंट्स से भी करवाया, अलग अलग कलाकारों को भी बुलाकर परफॉर्मेंस दिलवाई। कुछ वक्त पहले, लगभग साल भर पहले मेरे जहन में ये चीज़ आई, दिमाग में ये आया कि क्यों ना एक नया चैनल बनाया जाए जिससे ये हो कि कन्फ्यूजन थोड़ी दूर हो जाए, क्योंकि काफ़ी हमारे वीडियोस इस चैनल पर थे संगीत प्रभा वर्ल्ड पर, और उनमें से कुछ गाने भी थे तो कुछ ट्यूटोरियल्स भी थे, तो कई लोगों को कन्फ्यूजन होता था, कई लोगों को कि क्या देखना है, क्या सीखने के लिए है ना, क्या परफॉर्मेंस के लिए है। इसीलिए हमने एक नया चैनल निर्माण किया, मास्टर निषाद प्रोडक्शंस। इस पर मोस्टली हमने स्टूडियो रिकॉर्डेड गाने डालना शुरू किया। सबसे पहला गीत इस पे आया था मेरा इश्क तू, जो मेरा लिखा हुआ, मेरा वो पहला गीत था जो खुद का लिखा, खुद का कंपोज्ड और खुद का गाया हुआ, प्लस वीडियो सॉन्ग अलग से स्टूडियो रिकॉर्डेड। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो टाइप कुछ था, हमने बनाने की कोशिश की थी, जो हमने मास्टर निषाद प्रोडक्शंस की शुरुआत उसी वीडियो से करी। उसके बाद धीरे धीरे उस पर हमने लाइव रिकॉर्डेड गाने डालना शुरू किया, जो हम लाइव यहीं रिकॉर्ड करते हैं, जैसा कि पहले भी किया करते थे, मगर अब थोड़ा माइक्रोफोन्स के साथ, थोड़ी अच्छी एडिटिंग मिक्सिंग के साथ, थोड़ा सा इफ़ेक्ट्स के साथ हमने करने की कोशिश करी। पहले हम खाली फ़ोन से रिकॉर्ड किया करते थे। तो उस चैनल पर हमने सारे गीत डालना शुरू किया, जिस पे मेरा यार तू, आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया उस गीत को, जो मेरे पिताजी का ही कंपोज्ड, उनका लिखा हुआ था, और मेरी सिस्टर हरिजा पांडे जी का गाया हुआ है वो गीत है। तो ऐसे ही हम और भी गीत बनाए जा रहे हैं, और आप सभी लोगों को भी ये अपॉर्चुनिटी हमने प्रोवाइड करी है कि अगर आप लोगों में से हमें कोई पसंद आता है, क्योंकि संगीत धारा एप्लीकेशन पर हर सैटरडे को एक कंपटीशन होता है, तो अगर उस कंपटीशन में जो जीतता है उसको हम वहाँ पर निशुल्क शिक्षा भी देते हैं, और साथ ही साथ उनमें सुरीले बच्चों को हम ये अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि वो हमारे स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करें, और हम आप सभी लोगों तक, पूरी जितनी पब्लिक हमारे पास है, जितनी ऑडियंस, जितनी जनता हमें जानती है, उन तक पहुँचाएँ। मास्टर निषाद प्रोडक्शंस को आप ज़रूर एक्सप्लोर करें, और उसी के होम पेज पर मैंने क्या किया है, साथ ही साथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि मास्टर निषाद प्रोडक्शंस के नए नए गाने ही आपको देखने को मिलेंगे, उसके होम पेज पर आपको हमारे पुराने गाने भी देखने को मिलेंगे। अब वो कैसे मुमकिन है वो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। ये आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारा चैनल है संगीत प्रभा वर्ल्ड, ये मेन चैनल है। आप चाहें तो इसके चैनल्स में जाएंगे तो वहाँ आपको सारे चैनल्स जो हमारे से रिलेटेड हैं वो सब मिल जाएंगे, जैसे मास्टर निषाद प्रोडक्शंस है, मेरे दादा गुरुजी का चैनल है, गिटारिस्तान है, एक हमारे स्टूडेंट्स के चैनल हैं, म्यूज़िक फ्लो है, भार्गव म्यूज़िक, ये भी हमारे एक स्टूडेंट का चैनल है, हरिजा ये हमारी जो मेरी सिस्टर है उनका चैनल है, संगीत धारा है, म्यूज़िकल बडीज़ जो मेरी सिस्टर, दूसरी सिस्टर हिमजा पांडे, उनका चैनल है। तो ये सारे चैनल्स आपको यहाँ भी मिल जाएंगे, आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं। तो मास्टर निषाद प्रोडक्शंस, इसके वीडियोस के सेक्शन में अगर आप जाते हैं तो इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस आपको दिखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा इश्क तू से हमने शुरुआत करी थी लगभग साल भर पहले, उसके बाद हमने सारे रिकॉर्डेड, लाइव रिकॉर्डेड, कुछ स्टूडियो रिकॉर्डेड सब यहां गाने डालने की कोशिश करी, और आगे से आगे हम इस पर कर रहे हैं, भजन, गीत, गज़ल, कव्वाली, हर प्रकार का गीत इसमें आपको देखने को मिल जाता है। इसके होम पेज पर अगर आप आते हैं तो अपलोड्स में तो आपको ये गीत मिलते ही मिलते हैं, साथ में यहीं से हमने शुरू करी प्लेलिस्ट्स। अब ये सारी प्लेलिस्ट्स एक्चुअली में संगीत प्रवाह वर्ल्ड की वीडियोज़ हैं, जैसे कि आप देख सकते
सकते हैं, इसके नीचे संगीत प्रवाह वर्ल्ड लिखा हुआ है और इन सब के नीचे मास्टर निषाद प्रोडक्शंस लिखा हुआ है। तो ये पुराने गीत हैं, जैसे 9 साल 5 साल पुराने, तो ये पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं। इसी के नीचे आप जाएंगे तो कृष्ण भजन आपको मिलते हैं, जो हमने कई सारे अपलोड कर रहे हैं। ये सारे के सारे कृष्ण भजन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे नीचे जाएँ तो गणपति वंदनाएँ आपको मिलती हैं सारी, और उससे नीचे जाएँ तो गीत भास्कर, जो हमारे पिताजी ने एक एल्बम क्रिएट करी थी, उसके गीत हैं कुछ। फिर हमारी कुछ गज़लें हैं, ये गज़ल की प्लेलिस्ट तो बहुत लंबी है, जिसमें लगभग अभी 150 से ऊपर गज़लें हैं। ये सब मैं पुरानी रचनाएं हैं सारी, कुछ की रिकॉर्डिंग्स अच्छी भी है, कुछ की नहीं भी हैं। तो ये हमारा सारा ओरिजिनल वर्क है, कुछ हमने म्यूज़िक फ्लो पर भी अपलोड कर रखे हैं, ये वो गाने आपको नज़र आ सकते हैं यहाँ पर। ये कुछ हमारे खुद के फिल्मी अंदाज के गीत बनाए हुए भी अलग अलग टॉपिक पे, ये कुछ लाइव हैं यूट्यूब लाइव, ये कुछ हमने पॉलिटिकल इश्यूज़ पे भी गाने बनाए हुए हैं। तो इस तरह से हमारे इस चैनल पर हर प्रकार का गीत आपको देखने को और सीखने को, जानने को, सुनने को मिलता है। हम ओरिजिनल्स पे काम करते हैं। एक ख़ास बात जो मेरे पिताजी ने शुरू करी है वो ये है कि जो अभी हम कॉम्पिटिशन्स करा रहे हैं, जितने भी म्यूज़िकल कॉम्पिटिशन्स जो हर सैटरडे को होते हैं हमारे एप्लीकेशन पर, जिससे कि हम विजेता चुनकर उनको निःशुल्क शिक्षा देते हैं, उसमें हम ये प्रेरणा भी दे रहे हैं कि आप ओरिजिनल गाने सीखिए हमारे वाले। तो इन गीतों को अगर आप यहाँ से सुनेंगे तो ही इनको आप तैयार कर पाएंगे उस कॉम्पिटिशन में। और कोई दूसरा जो है गाना अलाउ नहीं है, और कोई दूसरा किसी और की रचना अलाउ नहीं है, हमारी ही रचनाएं अगर आप सीखते हैं तो हम उन्हीं को अलाउ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर इस चैनल को भी आप ग्रोथ दे देंगे तो आप ही लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम अपने गीत तो यहाँ डाल ही रहे हैं, साथ ही साथ हम दूसरे जो हमारे स्टूडेंट्स सीख जाते हैं उनको भी यहाँ प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज एवरी आर्टिस्ट नीड्स अ प्लेटफॉर्म। एक अगर प्लेटफॉर्म नहीं है उसके पास तो वो सीख के करेगा भी क्या? सीखने के बाद वो चाहता है ना कि लोग उसे जाने, जनता उसे जाने। तो जनता जनवाने के लिए जनताओं को एक प्लेटफॉर्म हम तैयार करते हैं। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और हमारे गीत गज़ल भजन जो ओरिजिनल्स हैं हम जो बनाने की कोशिश करते हैं, और यहीं हम आगे और एडवांस स्टूडियो वर्क भी इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपरली वीडियो सॉन्ग होंगे, उनमें एक स्टोरी होगी, जैसा कि आप लोग देखते हैं जो फिल्मों में होते हैं, तो वही हम इस चैनल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट म्यूज़िक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कवर सॉन्ग्स नहीं डालने की हमारी एक मंशा रहती है, कि किसी और का क्यों गाना जब आप खुद का बना सकते हो। तो वही वाली बात है, ठीक है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाएं। जो पुराने वीडियोस हैं हमारे, पुराने गाने हैं, उनको भी देखें। हम लोग सिखाते हैं, साथ ही साथ हम लोग अपना नया बनाते भी हैं। तो हम कैसा सिखाते हैं वो तो आपको मालूम है, लेकिन हम कैसा खुद करते हैं वो भी आप देख लीजिए, कैसा हम गाते हैं। अगर आपको उसमें कुछ कमी खामी लगे तो वो भी ज़रूर बताइएगा, उस पर भी हम ज़रूर काम करेंगे, ठीक है। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और ज़रूर सब्सक्राइब करें मास्टर निषाद प्रोडक्शंस को भी और इस चैनल को भी।